everyone, welcome to a channel knowledge of friends. Subscribe to a channel and click the bell icon for the latest update. आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो जी के एंड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स से क्लास डिस्कस करने वाले हैं, जो कि क्लास नंबर आपका 74 है. ऑलरेडी हमने 73 क्लासेस कर चुके हैं जिसमें हमने 1349 क्वेश्चंस ऑलरेडी अटेम्प्ट कर लिया है. आज से जो हम डिस्कस करेंगे वो 1350 क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप हमारा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो सो दैट हम जो भी वीडियोज डालें वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे. एंड सेकेंडली, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास वीडियो पहुंचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका यूटिलाइजेशन भी कर सके. नाउ मूविंग ऑन विद द क्वेश्चन, दैट इज 1350. 2018 सियोल शांति पुरस्कार में किसे सम्मानित किया गया है? तो सियोल शांति पुरस्कार 2018 में जो अवार्ड हुआ था उसमें किसको मिला है? वो है नरेंद्र मोदी जी को मिला है. नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1351. वर्ष 2019 में किस न्यूज़ चैनल को चैंपियंस ऑफ एम्पैथी अवार्ड, जैसे चैंपियंस ऑफ एम्पैथी अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है? तो वो है DD News. DD News को 2019 में चैंपियंस ऑफ एम्पैथी अवार्ड 2019 का दिया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1352 दैट वी हैव. रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2019 में किसे सम्मानित किया गया है? तो रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार जो 2019 में दिया गया है वो राणा दास गुप्ता को दिया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1353. सासकावा पुरस्कार 2019 निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है? वो है प्रमोद कुमार मिश्रा. नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1354. 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार इनमें से किसे दिया गया है? वो है अमिताभ घोष को दिया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1355. किस भारतीय को 2019 में UAE का सर्वोच्च सम्मान जावेद मेडल से सम्मानित किया गया है? वो है नरेंद्र मोदी. जावेद मेडल से नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है, जो कि UAE का बहुत ही ज़्यादा सर्वोच्च सम्मान वाला अवार्ड है. नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1356 दैट वी हैव. किस वर्ष 2019 में के प्रतिशत मैन इंटरनेशनल प्राइज से सम्मानित किया गया है? तो वो है जोखा अलहाती. नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1357. 2019 में किसे अंतर्राष्ट्रीय डायलन थॉमस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वो है गॉड गुणाल रत्ने. नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1358. 2019 का हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किसे दिया गया है? वो है अनुज लुगुन. नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1359. वर्ष 2019 में गोल्डमैन पर्थवर्ने पुरस्कार, जिसे हम गोल्डमैन एमिशन एनवायरमेंटल अवार्ड बोलते हैं, वो निम्नलिखित में से किसे किन लोगों को दिया गया, कितने लोगों को दिया है? वो 6 लोगों को दिया गया है आपके गोल्डमैन एनवायरमेंटल अवार्ड में. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट वी हैव योर क्वेश्चन नंबर 1360 एंड ऑल आर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दैट वी हैड डिस्कस्ड टिल द डेट दैट लाइक वी हैड डिस्कस्ड लाइक 1349 टिल द लास्ट क्लास एंड नाउ वी गोना मूव विद at least we will discuss your question 1444 or 43 approximately in this class only. But first of all, it's a request कि अगर आप हमारे चैनल अभी भी फर्स्ट टाइम देख रहे हो या प्लीज़ अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो इट्स अ रिक्वेस्ट प्लीज़ फ्रॉम आर साइड दैट यू कैन सब्सक्राइब अवर चैनल सो आपको भी वीडियोज़ बहुत ईजिली और बहुत जल्दी मिल जाएगा इवन दो वी गॉट अ सेटिस्फैक्शन. नाउ मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 1360 क्वेश्चन दैट वी हैव. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज 1360. 2019 को संपन्न फेमिना मिस इंडिया 2019 के खिताब की विजेता कौन थी? वो है सुमन राव. 2019 में जो फेमिना मिस इंडिया 2019 थी वो सुमन राव थी. नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन 1361. 2019 को 90वें ऑस्कर पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्रदान किया गया? वो है ग्रीन बुक. नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2019 व्यास सम्मान निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया? वो है लीलाधर जाघुंडी. नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन 1363. 2019 में 28वें
सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? उसे के शिवा रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1364। अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो कि द रेमिंगटन मेडल ऑफ फ्रीडम किसे प्रदान किया गया है? वो है टाइगर वुड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1365। 2019 में किसे शांति काल के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है? वो है नजीर अहमद वासी वानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1366। 2019 भारत रत्न में किसे सम्मानित किया गया है? भारत रत्न जो है वो प्रणब मुखर्जी जी और नाना देशमुख भूपेन हजारिका को दिया गया है। 2019 में तीन लोगों को भारत रत्न दिया गया है, जिसमें पहले है प्रणब मुखर्जी, नेक्स्ट इज जो नाना देशमुख एंड भूपेन हजारिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1367। 2019 में किस भारतीय को रेमन मैक्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वो है रवीश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1368। मनुष्य का स्पर्म कब बनना शुरू होता है? तो मनुष्य का जो किशोर उम्र में श्रुत्रतप शुकाणु नहीं बनते हैं, ये 13 साल से के बीच में बनते हैं, 11 से 13 साल के बीच में, तकरीबन 17 से 18 साल तक के पूरी तरह तेजी से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 369। मक्का मदीना में हिंदू चले गए तो क्या होगा? मक्का मदीना में जो हिंदू चले गए तो क्या होगा? अन्य देशों के तुलना में सऊदी अरब स्वीकृति लाइक कानून सख्त है, प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। तो बेसिकली क्या है कि मक्का मदीना के आसपास हिंदू एक बिंदु तक ही जा पाते हैं, एक लिमिट तक ही जा पाते हैं, उसके अंदर तक नहीं जाते क्योंकि वहाँ पे कानून थोड़ा ज़्यादा सख्त है। नाउ मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन 1370। देयर वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन 1370। पबजी एक दिन में कितना कमाता है? तो पबजी जो गेम है जो कि अभी इंडिया ने बैन कर दिया है, तो पबजी जो है वो आपका कितना कमाता है? तो पबजी अपने मोबाइल प्लेटफॉर्म से प्रतिदिन लगभग 8 करोड़ रुपए कमाता है, और पबजी प्रतिदिन लगभग 28 करोड़ रुपए इंडिया में कमाता है, जिसमें नवंबर 2018 की अगर हम बात करते हैं वहाँ उसमें 32.5 मिलियन, मतलब वो हमारे इंडिया करेंसी के हिसाब से 250 करोड़ रुपये उसने कमाया है। ये प्रतिदिन, हर एक दिन की मैं बात बता रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1371। भारत में सबसे ज़्यादा उम्र का आदमी कौन है? तो सबसे ज़्यादा उम्र का पूरे भारत में जो डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से जो सबसे ज़्यादा उम्र वाला आदमी है वो है फिरोजुद्दीन मीर। फिरोजुद्दीन मीर जो है एक ऐसा भारतीय है, ये भारतीय है, इंडियन है, जो वर्तमान समय में दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति हैं। 10 मार्च 1872 को ये पैदा हुए थे, 141 साल के हैं ये, ठीक है। तो ये एक रिपोर्ट के अनुसार बता रही हूँ जो उन्होंने, फिरोजुद्दीन मीर ये एक ऐसे भारतीय हैं जो वर्तमान समय में दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति, पूरी दुनिया की बात करते हैं और पूरी दुनिया में 10 मार्च 1872 को पैदा हुए थे, जिसमें अब तक की अगर बात करते हैं तो 141 साल के हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1372। टिकटॉक पर कितने यूजर्स हैं? तो टिकटॉक पर कितने यूज़र हैं? एक रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ इंडिया में अगर टिकटॉक की बात करते हैं तो 120 मिलियन से भी ज़्यादा यूज़र्स हैं, और यूएसए की बात करते हैं तो 40 मिलियन और तुर्की में बात करते हैं तो 29 मिलियन, और एक ये टोटल अगर ऑल ओवर टिकटॉक की बात करते हैं तो 1 बिलियन के अकॉर्डिंग है वो। तो समझ लो हमारे इंडिया में टिकटॉक के कितने यूज़र्स थे, 120 मिलियन यूज़र्स थे, जिसको अभी हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने इसको बैन कर दिया है। जो आपके इंटेलिजेंस वाले हैं उन लोगों ने सब टिकटॉक को बैन करवा दिया है, जो कि 120 मिलियन उनके जो आपके यूज़र्स थे वो कम हो गए टिकटॉक वालों के, चाइना वालों के, जो कि चाइना एसोसिएट करता था। तो अभी इन यूएसए में 40 मिलियन है और आपके तुर्की में 29 मिलियन है, तो समझ लीजिए आप कितना डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1373। क्रिकेट में पहला शतक यानी सबसे पहले सेंचुरी किस क्रिकेटर ने बनाई थी? तो क्रिकेट की अगर बात करते हैं तो नॉर्मली सेंचुरी से सब वाकिफ़ है कि सेंचुरी क्या होता है, सेंचुरी 100 रन्स टोटल बनाते हैं, तो वो शतक सबसे पहले किसने बनाया था? टेस्ट क्रिकेट में पहला, अगर टेस्ट क्रिकेट की बात करते हैं तो शतक जो है वो चार्ल्स बैनोमैन ने बनाया था, ओके। और जिन्होंने 1877 में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में जो पहला टेस्ट मैच हुआ था उसमें 165 रन बनाए थे टोटल जो आपके ये थे, और जो ऑस्ट्रेलिया और आपके इंग्लैंड के बीच में हुआ
ऑफ ऑस्ट्रेलिया जीती थी 1877 की मैं बात कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन 1374, वायरस को हिंदी में क्या कहते हैं? तो वायरस, कोरोना वायरस, तो ऑब्वियस ही बात है वायरस इस टाइम पे लोग बहुत ज़्यादा उसके अवेयर है। मैंने कोरोना वायरस की एक्चुअली आपको क्लासेस भी दी है, तो प्लीज़ आप उससे गो थ्रू कर सकते हो अगर आपको कोरोना वायरस के बारे में जानना है। बट बिफोर दैट, अगर वायरस की बात करते हैं तो उसे हिंदी में विषाणु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1375, अगर रात ना होती तो सिर्फ दिन ही होता तो क्या होता? अगर रात नहीं होती और दिन ही होता तो क्या होता? ऑब्वियस सी बात है, तो कोई भी व्यक्ति रात में ना सोता, सभी तारों के टिमटिमाहट से अनजान हो जाते हैं। ओके, तब दिया, मोमबत्ती, टॉर्च लाइट की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। और दूसरी चीज़ है, दिवाली में नॉर्मली हम लोग दिवाली में दिया जलाते हैं, एरो स्पार्कलिंग करते हैं, तो वो सारी चीज़ नहीं होती क्योंकि उस रात ही नहीं होती, तो फिर हमें उसको करने की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ती और उसकी जो चमक है वो भी हम देखने से रह जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1376, अमेज़ॉन की एलेक्सा कैसे काम करती है? जो अमेज़ॉन ने एलेक्सा निकाला है जिससे हम अपना यू नो जो भी हमें चाहिए होता है, यू नो लाइक सॉन्ग, सिंगिंग अ सॉन्ग और सम इंफॉर्मेशन, वी कैन फाइंड आउट विद द एलेक्सा अमेज़ॉन का। तो एलेक्सा अमेज़ॉन का एलेक्सा क्लाउड बेस्ड सर्वर है, ये क्लाउड बेस्ड सर्वर है, पर इंटरनेट से रिकॉर्डिंग भेजता है, जो इंटरनेट से रिकॉर्डिंग भेजता है जिसे AUS बोलते हैं, एलेक्सा वॉइस सर्विसेज। ओके, सो AVS है, ये इसका फुल फॉर्म है, एलेक्सा वॉइस सर्विसेज जिसे हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन 1377, मछली करंट कैसे मारती है? तो मछली कैसे करंट मारती है? मछली द्वारा उत्पादित करंट या बिजली का झटका उसके शरीर के भीतर मौजूद सेल्स इलेक्ट्रोलाइट से होता है जिसमें बिजली का उत्पादन हो ना होते लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1378, मुस्लिम औरतों का मस्जिदों में जाना मना क्यों है? तो मुस्लिम औरतों का नॉर्मली आपने सुना होगा कि वो मस्जिदों में नहीं जाती हैं, उसका रीज़न ये है क्योंकि औरत और मर्द एक मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकते क्योंकि पर्दा ज़रूरी है। ओके, तो औरतों और यू नो जेंट्स एंड वुमेन में पर्दा ज़रूरी है, लाइक वो एक दूसरे को नहीं साथ में खड़े होकर नमाज पढ़ सकते, बेपर्दगी नहीं होनी चाहिए जो कि नमाज में नहीं होता है। हिंदुस्तान में ऐसी मस्जिदें नहीं हैं जो इस हिसाब से बनी हो कि औरतों के लिए अलग जाने आने का रास्ता हो या फिर यू नो मेंस के लिए अलग हो, बट इस तरह से नहीं बना। बट और भी जो अगर बात करते हैं, जो मुस्लिम सिटीज़ हैं या फिर और कंट्री की बात करते हैं, तो वहाँ पर ऐसी मस्जिदें हैं जहाँ पर औरतें और आदमी एक साथ मस्जिदों में नमाज़ पढ़ते हैं, बट उनके अलग अलग वेज होते हैं आने जाने के। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1379 दैट वी हैव। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1370, भारत की आबादी पॉपुलेशन 2019 में कितनी है? तो भारत की आबादी अगर पॉपुलेशन की बात करते हैं 2019 की, तो 2019 में जो भारत की पॉपुलेशन है वो 1.37 बिलियन है। ओके, 1.37 बिलियन एंड जो कि 137 करोड़ के आसपास है आपकी। ओके, सो 2019 की बात करते हैं, 2017 की बात करते हैं तो 133.92 करोड़ थी ओके भारत की 2017 में, और 2019 में 1.37 बिलियन है जो कि 133 करोड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 1380, हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे फिर उनके पुत्र का जन्म कैसे हुआ? अगर हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे तो फिर उनके पुत्र का जन्म कैसा हुआ? तो पसीने की एक बूंद पानी में टपकी और उस बूंद को मछली ने पी लिया, उसी पसीने की बूंद से मछली गर्भवती हो गई जिसे, तो ये जो है हनुमान जी वैसे भी बाल में बचाए थे, उनके पसीने की बूंद मछली ने पी लिया था इसलिए वो गर्भवती हो गई थी। और जो हनुमान जी के जो पुत्र थे उनका नाम मकर ध्वज था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1381 दैट वी हैव, प्यू डाई पाए ये YouTube चैनल की शुरुआत कब की थी? तो प्यू डाई पाए ने YouTube की चैनल की शुरुआत 29 अप्रैल 2010 में पहले की थी। ओके, ये आपके कैजुअल बर्ग 2006 में सबसे पहले, तो इन्होंने कैजुअल बर्ग ने 2006 में सबसे पहले इसका चैनल का बनाया था जिसका नाम प्यू डाई था। ओके, 2006 में बनाया था इन्होंने, बट जब प्यूडाई बनाया फिर उसका वो पासवर्ड भूल गए थे, इसके वजह से उन्होंने फिर 29 अप्रैल 2010 में इन्होंने प्यूडाई पाए से फिर से अपना चैनल बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1382, क्या समुद्र के खारे पानी को क्या समुद्र के खारे पानी को पीने लायक बनाया जा सकता है? ओके, तो क्या जो हमारे समुद्र का पानी, जैसे कि सबको पता है कि खारा बहुत होता है, तो क्या हम उसे पीने लायक बना सकते हैं? दुनिया में सिर्फ एक इज़राइल एक ऐसा इकलौता देश है जिसे समुद्र के
खारे पानी को पीने लायक बनाने की तकनीक बनाई है। इजराइल एक पहला ऐसा और इकलौता देश है जो समुद्र के नमक पानी को अलग कर देती है जिससे उत्पादन होता है, क्योंकि इसका एक्चुअली जो समुद्र का पानी जो खारा पानी है उसका कॉस्ट भी बहुत है उसको अलग करने के लिए। इस वजह से सिर्फ एक ही कंट्री अभी तक की है जो इजराइल है जिसने इस काम को किया है, इस तकनीक को बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1383, टूथपेस्ट यानी कोलगेट का आविष्कार किसने किया? टूथपेस्ट जो आपकी कोलगेट है उसका आविष्कार किसने किया? 1824 में डॉक्टर पी बर्डी साबुन का इस्तेमाल करके एक टूथपेस्ट बनाया। 1873 में उन्होंने 1824 में ये किया था। 1873 में कोलगेट ने बेकिंग सोडा ग्रीस स्ट्रीट और फ्लेवर्स डाल के ये टूथपेस्ट बनाया। ओके, तो 1873 में कोलगेट ने बनाया एंड 1824 में डॉक्टर पी टी ने साबुन का इस्तेमाल करके कोलगेट आपका टूथपेस्ट बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1384, क्रिकेट का पहला मैच कब और किसने किसके बीच हुआ? तो क्रिकेट का जो पहला मैच था अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय खेल के विकास 20वीं सदी की अगर हम बात करते हैं 20वीं सदी के अंत में मैच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में हुआ था, जो कि 5 जनवरी 1971 को हुआ था ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में, और जिसमें ऑस्ट्रेलिया जीती थी 5 जनवरी 1971। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1385, साधारण बियर और स्ट्रॉन्ग बियर में क्या फ़र्क है? तो साधारण जो बियर होती है और जो स्ट्रॉन्ग बियर है उस दोनों में क्या फ़र्क है? साधारण बियर में अल्कोहल की मात्रा 4.1% की मात्रा से लेके 5.5% के बीच में होती है, और जब अल्कोहल मात्रा 5.6 तक पहुंच जाती है, ओके, तो अगर वो उतनी पहुंच जाती है तो उसे स्ट्रांग बियर कहते हैं, ठीक है। तो 4.1 से 5.5 तक अगर पहुंचती है तो नॉर्मल बियर होती है, साधारण बियर होती है। अगर वो आपकी 5.6 से ऊपर पहुंच जाती है तो फिर वो आपकी अल्कोहल जो है वो स्ट्रांग हो जाती है, तो उसे स्ट्रांग बियर कहते हैं। बट अगर 8.6 के ऊपर उसकी अल्कोहल पहुंच जाती है तो वो सुपर स्ट्रांग हो जाती है। 4.1 से 5.5 तक ही आपका नॉर्मल रहती है, उसके बाद आपकी 5.6 के ऊपर जो है वो स्ट्रॉन्ग बियर हो जाती है, और उसके ऊपर अगर 8.6 आपकी होती है परसेंट तो आपका सुपर स्ट्रॉन्ग बियर हो जाती है। नाउ मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन 1386, दैट वी हैव इज सो हेयर इट इज़ द क्वेश्चन नंबर 1386, दैट महिला फीफा विश्व कप 2019 में आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आपका फ्रांस में किया गया। नाउ मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट वी हैव इज़ द क्वेश्चन नंबर 1387, अनाधित पानी की बोतलों की बिक्री पर रोक के लिए RPF द्वारा देश भर में किस नाम से अभियान चलाया गया? वह है ऑपरेशन थर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर 1388, हाल ही में किसे विदेश मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया? वह है विकास स्वरूप जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर 1389, विश्व स्वास्थ्य संगठन के हाल ही में किस देश की खस्ता संयुक्त घोषित किया गया, खस्ता मुक्त घोषित किया गया? वो है आपका खसरा मुक्त जो घोषित किया है स्वास्थ्य ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, वो आपके श्रीलंका को किया है, जहाँ पे खसरा मुक्त देश घोषित हो गया है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1390, दैट इज भारत में महिला स्टार्टअप शिखर सम्मेलन 2019 आयोजन कहाँ किया गया, कहाँ किया जा रहा है? वो है आपका कोची। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1391, मोदी जी को किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है? वो है मालदीव।
एक्सप्रेशन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1392। हाल ही में किस देश में पेरू को हराकर नौवीं बार कोपा अमेरिका 2019 का खिताब जीता, वो है ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन 1393। बजट 2019-20 में जीते जीरो बजट फॉर्मिंग की बात कही गई है, जीरो बजट फॉर्मिंग किस राज्य से शुरू की गई थी, वो है कर्नाटका। नाउ मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1394 दैट वी हैव। योर क्वेश्चन इज 1394, बजट 2019-20 में अनुसार केंद्र सरकार के आय में कितना प्रतिशत जीएसटी के अनुमानित है, वह है 19%। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1395, जल शक्ति अभियान का दूत किसे नियुक्त किया गया है, वह है आमिर खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1396 दैट वी हैव इज 1396 इज हाल ही में जयपुर फुट कोरिया किसने लॉन्च किया, वो है बॉन्ग केल सिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन 1397, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुफ्त फसल बीमा योजना शुरू की है, वो है पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन 1398, हाल ही में आईसीजी के 23वें प्रमुख के रूप में किसने शपथ ली है, वो है के नटराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन 1399, हाल ही में किसने किरानी आनंद अरोड़ा किस राज्य के किए गए मुख्य सचिव नियुक्त किए हुए हैं, वो हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1400, नेक्स्ट हाल ही में किस देश ने एकल आयोग वाले प्लास्टिक शॉपिंग बैग का प्रतिबंध लगाया, वो है न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज वी हैव योर क्वेश्चन नंबर 1401, हाल ही में किसने उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई की है, वो अपर्णा कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन 1402, हाल ही में बरून हल्दर का निधन हुआ है, वे कौन थे, वो न्यूज एंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन 1403, हाल ही में समुद्री मार्ग जो समुद्री मार्ग है यात्रा के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है, वो है मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन 1404, कफन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो कफन को अंग्रेजी में श्राउड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन 1405 क्वेश्चन, दिस इज योर क्वेश्चन, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स तीनों दलों में सैल्यूट करने का तरीका अलग अलग क्यों है। अगर हम इंडियन एयरफोर्स की बात करते हैं तो उसमें मार्च 2006 में अपने सैल्यूट में परिवर्तन किया था, जो कि जो आपका यू नो वो हथेली और ज़मीन में 45 डिग्री का कोण बनाता है, मतलब लाइक एंगल बनाता है, और आई मन के सामने बढ़ते कदम को दिखाता है, आसमान के सामने आपका बढ़ते हुए कदम को दिखाता है। ये आपका इंडियन एयरफोर्स का सैल्यूट करने का तरीका है। नाउ मूविंग ऑन विद योर इंडियन आर्मी एंड इंडियन नेवी, इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी कैसे करते हैं। सो इंडियन नेवी की बात करते हैं तो वो पुराने ज़माने के जहाज़ में काम भी करते हैं, जिससे उनके हाथ गंदे हो जाते हैं, इसलिए वो हथेली नीचे रख के सैल्यूट करते हैं, जो आपके इंडियन नेवी वाले हैं। इंडियन आर्मी जो है वो सैल्यूट करने का समय उनकी सारी इंद्रियों के सामने की ओर खुली रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन, हनुमान जी की पत्नी का क्या नाम था, हनुमान जी की पत्नी का नाम था सर्वचला, जो सूर्य देव की पुत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन, डीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, डीपी का फुल फॉर्म होता है डिस्प्ले पिक्चर, डाउन पेमेंट, डेटा पैकेट, डेटा प्रोसेसिंग, डिस्क्वालिफाइड पर्सन, डिजिटल पेमेंट, ये सारी चीज़ें आपका डीपी का फुल फॉर्म है। डिपेंड करता है वो कहाँ पे यूज़ हो रहा है डीपी, तब आपके उसके अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन का आंसर होगा। नाउ मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर, मनुष्य बिना खाना खाए कितने दिनों तक जीवित रह सकता है, तो अगर मनुष्य जो है इंसान अगर खाना ना खाए तो कितने दिनों तक वो जीवित रह सकता है, जिंदा रह सकता है, वो आपका 8 सप्ताह तक जिंदा रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर वो एक नॉर्मल एक फिजिक आदमी है, फिट है एक आदमी, तो 8 सप्ताह तक वो जी सकता है। कार का आविष्कार किसने और कब किया था, कार्ल्स बेल जो आपका है उन्होंने 1886 में तीन पहिए वाली मॉडर्न कार का आविष्कार किया था, जो एक वास्तविक मॉडल था, जिसमें वास्तविक मॉडल कार का था, तो कार्ल बेंज ने 1888 में किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1415, दैट इज शर्ट और टी शर्ट में हिंदी में क्या कहते हैं? शर्ट को हम कमीज कहते हैं और टी शर्ट को छोटी आस्तीन वाली कमीज कहते हैं। मूविंग ऑन विद नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज योर, केले के बीज नहीं होते तो उसका पेड़ कैसे उगता है? तो केले के बीज केले केले के पौधे के नीचे होते हैं। एक केले में पाँच से पौधे में 3 से 5 बीज निकलते हैं जो किसान निकाल कर 5 से 10 रुपए में उसे बेच देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन 1407, दुनिया का सबसे लंबा झरना यानी वाटरफॉल कौन सा है? वो है आपका वेनेजुएला में जो एंजल साटो फॉल्स है, वो दुनिया का सबसे लंबा झरना है। इस झरने की ऊंचाई 3290 फीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 1408, कांच दबाने पर खून क्यों नहीं निकलता? तो कांच दबाने पर खून इसलिए नहीं निकलता क्योंकि जो एयर लोब्स होते हैं मूल के रूप में फैट या फिर स्किन से बना होता है, फैट और स्किन से बना होता है जो एक हड्डी का एक प्रकार होता है, इसीलिए छिदवाने पर खून नहीं निकलता, और अगर यह निकलता भी कुछ रुके तो बहुत कम खून निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन 1409, ताजमहल और स्टैचू ऑफ यूनिटी में 2019 में सबसे ज़्यादा कमाई किसने की? तो ताजमहल और स्टैचू ऑफ यूनिटी ने सबसे ज़्यादा जिसने कमाई की लोकसभा डेटा के अनुसार, अगर हम लोकसभा डेटा के अनुसार की बात करते हैं तो 2018 और 2019 में ताजमहल ने 68,85,124 टूरिस्ट ने विजिट किया था, जिसकी कुल कमाई आपकी 77,19,50,555 करोड़ हुई है। और नवंबर 2018 से अक्टूबर 2019 तक स्टैचू ऑफ यूनिटी की कुल जो है 27 लाख टूरिस्ट विजिट किया है, जिसका कुल वैल्यू 18.65 करोड़ होता है। तो नाउ मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे ऑलरेडी आपको पता चल गया कि कितने लोग कितने ज़्यादा किया है विजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 1410, भारत में सबसे पुरानी मस्जिद कहाँ है? तो भारत की जो सबसे पुरानी मस्जिद है वो चिरामन जुमा मस्जिद है। चिरामन जुमा मस्जिद जो है वो केरल के डंगलूर ताल्लुक से मैथिला गांव में स्थित है आपका चिरामन जुमा मस्जिद। क्लास आज के लिए इतना ही, थैंक यू, होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव अ थम्स अप एंड गिव अ सजेशन ऑन अ कमेंट बॉक्स। थैंक यू।